बेगूसराय में बेगूसराय पुलिस की बर्बरता का एक क्रूर चेहरा सामने आया है, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के जवानों ने एक बाइक सवार युवक की आंखें फोड़ डाली। घटना चौराहे थाना क्षेत्र के रामपुर की है। पीड़ित की पहचान गढ़पुरा थाना क्षेत्र के हरकपुरा निवासी प्रदीप कुमार के रूप में की गई है। पीड़ित प्रदीप कुमार के भांजे दीपक कुमार ने बताया कि वो चौराहे की एक चिमनी पर रहकर मजदूरी का काम करता है और वो आज अपने मामा के साथ बाइक से हरकपुरा जा रहा था। उसी क्रम में चौराहे पुलिस के द्वारा रामपुर के समीप वाहन चेकिंग के लिए जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने का इशारा किया और जब तक वो रुकते तब तक पुलिस के जवान ने डंडा चला दिया, जो डंडा प्रदीप कुमार की आंख में जाकर लग गया। चोट लगने के बाद से प्रदीप कुमार को एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। फिलहाल उसका इलाज चौराहे पीएचसी में कराया गया है, जहां से प्रदीप कुमार की हालत को देखते ही चिकित्सकों ने सदर अस्पताल बेगूसराय के लिए रेफर कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा उक्त डंडेबाज पुलिस वालों के विरुद्ध किस तरह की कार्यवाही की जाए। क्या घटना हुआ था? बाइक से जा रहे थे, स्लो करने के लिए बोला तो स्लो करके साइड में, वो सोचा रफ्तार में तो डंडा चला दिए। डंडा चला के ये थोड़ा रुक रहे थे, फिर आगे ले जा रहे, सोचा चोट लगा कंधे पे, मगर इसके आँख पे लगा। उसी टाइम बाइक रोके, नहीं दिखाई दिया, बोलो रोकिए, तो देखे तो आँख से खून निकला है, तो अपना हाथ से हाथ दबाया, बोला आप पिछाइए। उसके बाद हम लेते हैं और पूछते हैं तो पुलिस वाले क्या उसका जो गाड़ी में बैठते हैं SHO चाहे कुछ भी हो, तो बोले थाना इसको मेडिकल है यहाँ पे, बोले मेडिकल रख रखे हैं यहाँ पे इलाज करें, बोले हम इलाज नहीं कराएंगे, आपका डंडा चलाने कोई हक नहीं है। तो डंडा पुलिस वाले खाली चलान काटे सब चीज करे, मारने कोई हक नहीं है, तो उनको मारा तो देखा, बोला चलो कोई बात नहीं यहाँ पे इलाज कराते हैं, टीटनेस सब चीज करते, बोलते नहीं हम जा रहे हैं उस वहाँ आपके थाने पे, वहाँ पे करेंगे सब चीज करवाए, बोल के ठीक है चलिए। अभी तक ना हुआ है ना कोई देखने के लिए आए, अब वीडियो बनाए तो गाड़ी का नंबर लिए और जिसने डंडा चलाया लम्बू उसको तुरंत गाड़ी में बिठा दिए। अपने किस थाना का गाड़ी था? ये थाना था ये चौराई। किस जगह घटना हुआ है? ये राजोपुर स्कूल बिरा कॉलेज के आसपास। कॉलेज के, कॉलेज से पहले की बात नहीं, कॉलेज जस्ट कॉलेज के सामने, सामने कॉलेज गेट पे खेत पटा रहा था सर। इसको आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे इनको छोड़ने के लिए घर पे हिरमिया। अच्छा अच्छा, चिमनी पर चले? हम चिमनी पे काम करते हैं और चिमनी पे छोड़ने के लिए जा रहे थे। ये आए थे अपने? हमारे पास आए थे। अच्छा, मामा आपके? हाँ मामा है उनके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक है। पिताजी का नाम? पिताजी मेरा लाल पासवान है। गाँव? गाँव रखपुरा। थाना कौन पड़ता है आपका? हमारा थाना पड़ता है असल ये छोड़ाए घरपुरा। हम बिहार के रहने वाले नहीं है, दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो आप मतलब इलाज कर रहे डॉक्टर साहब, क्या रेफर कर दिया? रेफर कर दिया है, ये बोले बेगूसराय लेके चलिए। किस आंख में दिक्कत था? ये लेफ्ट लेफ्ट आंख में, राइट दाहिना आंख। क्या आंख बचा हुआ है जो डैमेज हो गया? अभी हम देखे नहीं पूरा, इनका आंख बंद करके लाए, हम देखे नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा? नहीं दे रहा।